वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी आपको वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में नीम खली का जो फर्टिलाइजर होता है उसका अपने पौधों में आपको कैसे यूज करना है, उसके क्या क्या फायदे हैं, उसका आपके पौधों में क्या क्या ग्रोथ होगी, इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सो बिना देर किए हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है नीम खली का फर्टिलाइजर। तो मैं पहले आपको ये बता दूंगी कि ये फर्टिलाइजर कैसे तैयार होता है। तो नीम का जो पेड़ होता है उसमें फ्रूट आता है, और उस फ्रूट का जो बीज होता है उस बीज को पहले सुखा दिया जाता है, और फिर उसका जो ऑयल होता है उसको निकाल दिया जाता है, और फिर उसका जो वेस्ट बचता है उसको कंपोस्ट बनाकर ये फर्टिलाइजर तैयार होता है। और यही फर्टिलाइजर हम अपने पौधों के ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। इस फर्टिलाइजर में कुदरती तौर पर NPK मतलब कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, जो पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जैसे हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम आदि चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों को अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे फ्लावर्स के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशंस और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर आदि न्यूट्रिशंस इस फर्टिलाइज़र में मौजूद है। इसकी वजह से आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। मिट्टी में सड़न या और कोई भी फंगस हो तो ये नीम खली काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। आपके पौधों के पत्तियों में भी यदि कोई फंगस या दूसरी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो भी इस नीम खली की खाद से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस खाद में कैल्शियम, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम होते हैं, इसके कारण पौधों को काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। अगर आपको अपने पौधों में अच्छे फ्लावर्स चाहिए तो ये खाद बेहद ही ज़रूरी बन जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होने के कारण ये प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग देता है। इसे बेस्ट ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल भी कहते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं अपने गमलों में इस फर्टिलाइजर का कैसे यूज़ करती हूँ। मैं इस फर्टिलाइजर का दो तरीके से यूज़ करती हूँ। एक तो मैं इसका लिक्विड फॉर्म में यूज़ करती हूँ, और एक तो मैं सीधे डायरेक्ट अपने गमलों में इसको अप्लाई करके इसका यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं आपको पहला तरीका बताती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको आपके पास कोई भी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल हो वो आपको ले लेनी है, बॉटल या फिर जार कोई भी आप ले सकते हो, और फिर उसको आपको आधा पानी से भर लेना है। आधा पानी से भर लेने के बाद आपको उसमें 5 चम्मच ये फर्टिलाइजर आपको इसमें डालना है। अब आपको मैंने इसमें 5 चम्मच ही डाल दिया है। अब आपको इसको एकदम अच्छी तरह से ऐसा मिक्स कर लेना है। आपको 20 दिनों तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 20 दिनों के बाद ये जो फर्टिलाइजर है वो तैयार हो जाएगा। और ये फर्टिलाइजर तैयार होने के बाद आपको इसे गमले में कैसे डालना है मैं आपको बताती हूँ। तो आपको इसे डायरेक्ट आपके गमलों में नहीं डालना है, पहले तो आपको इसको डालने से पहले आपको इसको छान लेना है, फिर आप इसे अपने गमलों में अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी मदद से, इस फर्टिलाइजर की मदद से आपके जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, और उसमें कई सारे फ्लावर्स भी आएंगे। छानने के बाद जो भी वेस्ट बचे उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आपको रीयूज़ करके आप अपने जो पौधे हैं उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। तो पहले ये देखिए, ये मेरा चांदनी का पौधा है। ये पौधा, इस पौधे में बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स आते हैं। तो इसमें मैं आपको दूसरा तरीका यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपकी ये जो मिट्टी होती है उसको आपको कुछ इस तरह से इस मिट्टी की आपको गुड़ाई कर लेनी है। जब भी किसी भी गमले में गुड़ाई करें तभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो आपकी स्टेम होती है उससे आपको दूर गुड़ाई करनी है। अगर आप यहाँ पर इसकी गुड़ाई करेंगे तो यहाँ इसकी जो रूट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इसलिए आपको इससे थोड़ी दूर से गुड़ाई कर लेनी है। तो
इस फर्टिलाइजर को रूट्स के पास दे डालना है। हमने जहाँ पर ऐसे गुड़ाई की है वहाँ पर आपको इसको तो इसे थोड़ा सा आपको लेके यहाँ पर सभी जगह ऐसे छिड़क देना है। हमें इसमें ऐसे पानी दे देना है। देखिए अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो पौधा है उसमें सर एक भी फूल नहीं है, पर जब अब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी तब मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इसमें फ्लावर्स आए हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइजर से आपका जो पौधा होता है उसमें फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसमें कितने फ्लावर्स आते हैं और कितने नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही पौधों की और नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।